नमस्कार एमकेएन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जहां एक तरफ सरकार देश के आखिरी कोने तक सभी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने की बात करती है, वहीं जिम्मेदार सरकार की सारी योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। लोग अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं जब बात बुजुर्गों की हो तो समस्या और भी बढ़ जाती है, जो उम्र के इस पड़ाव में भी हर दिन पेंशन के अभाव में परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड की ग्राम पंचायत सरधापाट की, जहां पर आमाजीपा वार्ड में बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा वृद्ध पेंशन योजना से वंचित है। इन्हें पहले योजनाओं का लाभ मिलता रहा, लेकिन 2 साल से इनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है। वहीं जब बुजुर्ग अपनी परेशानी लेकर पंचायत प्रतिनिधि के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं तो उन्हें सचिव पेंशन अकाउंट पर जमा होना बताते हैं। वहीं ग्रामीण बुजुर्ग जाकर बैंकों का चक्कर काटते हैं, तब पता चलता है कि उनके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हो रहा है। इन पीड़ितों में कई बुजुर्ग असहाय महिला भी हैं, जो इतनी जागरूक नहीं है कि वे मामले की शिकायत करें, और इसका फायदा कई लोग उठा लेते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जिम्मेदार पंचायत सरपंच और सचिव इनकी मदद नहीं करते। मामले में बगीचा जनपद सीओ विनोद सिंह का कहना है कि पंचायत द्वारा कोई शिकायत ही नहीं की गई है। वहीं मामले में जानकारी मिलने पर आगे कार्रवाई की बात भी कही है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारों की उदासीनता का खामियाजा कब तक ग्रामीण भुगतेंगे। दो साल से ऊपर है, इसलिए मिलते नहीं खेल, हटाते नहीं खेल। बुढ़ाला तो बुढ़ा के हम खेल हटाते ना महुला बुढ़ाला हम नहीं हटाते वहाँ के नहीं खेल हटाते। अच्छा, अभी तो घरे आई आई कि बाइट रखत रही नहीं हले तो देते नहीं खेल, अभी कहते नहीं खेल। का कारण से नहीं देता है, का जाने का कारण से नहीं खेल खाता है। तो नहीं जाए के पूछता सचिव सरपंच मंडला जाथन जन तो पूछे के तो का कहते खाता है कथे पैसा खाता है डाला ये कहते तो फिर कह कह बात बताते तो खाता है जाके चेक करता तो वहाँ जाके पूछता तो है ये नहीं पैसा कहते खाता में पैसा रहबे नहीं करे रहबे नहीं करे। अच्छा, तो सचिव सरपंच मल्ला कहा था तो का कहे खाता है चिड़ जई है तोहर कहल और खाता है चेक करथन तो चढ़िए नहीं आए बताते विधवा पैसा कुछ लिखे मिलत ना हमके कोनो आवासीन घर मिलत है ना कहीं नहीं शासन हमके कहे नहीं देता है कि किसे करता है आउ जन के दही हमर पंचायत है कहीं नहीं मिला तो सचिव सरपंच मान ला जाए के नहीं बोलता है सचिव सरपंच के कहथन तो कहते हैं जे पेंशन पैसा मन डलाई जाई है बाकी वो मन मतलब खाता में डलाई जाई है खाता के जांच करवा था तो कुछ नहीं मिले तो जाए के सचिव मल्ला नहीं बता था तो का कहे बता था ना हमें तो खाता है डलाई है कहते हैं तो अच्छा हाँ। खाता है चेक करा था तो पैसा है ये नहीं पैसा है ये नहीं खेत 2 साल 4 महीना में वेतन भरे छिटकारा बुझाई जाते पेंशन उसी की जाइए है बुढ़ा पेंशन काहे नहीं मिला था का कारण से नहीं मिला था कहा सरपंच मुझे बतावे नहीं करे हमारे से नहीं बने कहते एमकेएन स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां वृद्धा पेंशन योजना वृद्ध लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों इन वृद्ध जनों को दर दर की ठोकर उठानी पड़ रही है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि यहां पर तमाम शिकायतें तो की गई लेकिन शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार मामले उठते हुए नजर आ रहे हैं, 2 साल का समय बीत चुका है, अब तो कोरोना की स्थिति भी सामान्य होती नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है इन बुजुर्गों का वृद्ध पेंशन योजना के बारे में प्रमुखता से बताइए। जी, आपको बता दूं कि जशपुर जिले के ग्राम पंचायत सरधापाट आंबा डीपा की मामला है, जो की पहाड़ी कोरवाओं का वृद्धा पेंशन योजनाओं से वंचित किया गया है। जी चंद्रभान, बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है इसमें? बुजुर्गों का कहना ये है मैम कि इसमें 2 साल 5 माह से पेंशन हम लोग का नहीं मिल पा रहा है, तो किसी का राशन नहीं मिल पाता है, जो कि पहाड़ी कोरवाओं का जो है जी मतलब चंद्रभान ये बताइए।
ये बताइए किसी अधिकारी से बात हुई आपके इस मामले में? जी मैम, किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने इस मामले में? जी मैम, मैं बात किया जनपद पंचायत सीईओ से विनोद सिंह से, तो उन्होंने कहा कि जांच कर मामले को जो है तत्काल इन लोग का लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे करके ऐसा कहा गया है, लेकिन अभी तक इनका जो है आश्वासन ही कहिए है, इनका लाभ नहीं मिल पाया है अभी तक। जी, लगभग कितने बुजुर्ग होंगे चंद्रभान यहाँ पर इस क्षेत्र में जिसके चलते अब आज भी वंचित है ये योजना से? क्या है मैम, इसमें सचिवों का मनमानी के रवैये के हिसाब से जो है मतलब इन लोगों को नहीं मिल पाता है। जी जी, बहुत पहाड़ी करवाओ नहीं किसी के पास शिकायत कर पाते हैं, नहीं किसी के पास बोल पाते हैं, इसी का जो है गलत फायदा उठाते हैं होशियार व्यक्ति लोग। जी जी मैम, तमाम यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं चंद्रभान? साथ में ये भी बताइए कि कितना समय हो चुका है तब यहाँ पर सिफारिश तो लगाई गई है ग्रामीणों द्वारा और उन बुजुर्गों द्वारा जो दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, बुजुर्ग क्या कुछ कहते नजर आते हैं मामले में? मैम इसमें चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं इसके वजह से, और अधिकारी है और सचिव लोग हैं इसमें मिली भगत के वजह से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, कहीं भी जाते भी हैं शिकायत करने तो इनका शिकायत वो सुनी नहीं जाती है। जी चंद्रभान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ ग्रामीण रघुनंदन यादव जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी सर, नमस्कार। यादव जी, कितना समय हो चुका है तब से आपको ये पेंशन योजना जो है वृद्ध की वो अब तक नहीं मिल पाई है, साथ ही साथ इतने कितने ग्रामीण हैं जिसके चलते आज भी वो योजनाओं से वंचित हैं? सर इसमें दो साल से लगभग साल भर से नहीं मिला है, दो साल से कुछ तो मिला था लेकिन साल डेढ़ साल हो गया नहीं मिल रहा है बहुत जाने का। जी, और इसमें कम से कम 30-40 आदमी भी हो सकते हैं, काहे कि अब हम लोग घूम घूम के तो नहीं जान रहे हैं लेकिन जहाँ पर पता चलता है, आज भी मैं गया था गांव में घूमने तो आज भी बता रहे थे, जैसे एक आदमी है फूलमई, पति का नाम निर्मल था, विधवा आदमी है जी। उसका सचिव के द्वारा 2450 रुपया आया था जिसे 1500 रुपया मात्र दे करके सचिव और पैसा को खा गया। इस टाइप से बहुत पेंशन का घपला हुआ है सरधापाट में। जी यादव जी, दो साल का समय बीत चुका है, कोरोना की स्थिति भी अब सामान्य होती नजर आ रही है, क्या लगता है क्या सरपंच सचिव और प्रशासन के लोग नजर नहीं डाल रहे हैं या फिर वो अधिकारी कर्मचारी रूबरू ही नहीं हुए हैं इस मामले को लेकर, कि जिस तरीके से यहाँ पर वृद्धों की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं सरपंच और सचिव? जी इसमें क्या है कि सरपंच को तो आदिवासी महिला होने के नाते उतना जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन सचिव लोग का है, जैसे सचिव लोग ही पैसा लाते हैं और बांटने में कोताही बरतते हैं, या तो लिखा पढ़ी जो भी होता है सचिव के माध्यम से होता है, तो इतना टेंशन का इतना स्थिति खराब है सरधापाट पंचायत में। पहाड़ी पुरवा जैसे विधवा महिला हो गए, वृद्ध हो गए, या तो अन्य जाति जितना भी है, सब आदमी जहां भी जाएंगे टेंशन का भारी शिकायत बता रहे हैं सब। जी यादव जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सचिव ग्राम पंचायत वितुल राम जुड़ चुके हैं। वितुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। वितुल जी, क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीण ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो वृद्धों की पेंशन योजना होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? मैम मेरा बात सुनिए। जी सुन रहे हैं, बताइए। मेरा अभी गया हुआ एक सप्ताह हो रहा है, अभी एक सप्ताह के अंदर जो उससे पहले वितरण हुआ है वहाँ पेंशन का, और पेंशन के बारे में मेरे को उतना जानकारी नहीं था, लेकिन कल मैं वहाँ ग्राम सभा किया हूँ, वहाँ कुछ काफी लोगों को पेंशन जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनका डॉक्यूमेंट पूरा मंगा रहा हूँ जिसका डिजिटल के माध्यम से भुगतान हो रहा है उनका, मैं क्या कहते डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो उनका भुगतान कराने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और नकदी भुगतान की बात कहें तो नकदी भुगतान में आप पूर्व में जो सचिव थे वो पता नहीं किस टाइप से भुगतान किए हैं उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जी वितुल जी, ठीक है, अच्छी बात है कि आप
आपके द्वारा जब इस तरीके की जानकारी लगी तो आप इस पर संज्ञान लेंगे और मामले का निपटारा भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण परेशान हो रहे हो, जो एक मिनट सर सुन लीजिए, पूर्व में जो सचिव रहे हैं, सरपंच रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल कर जो भी यहाँ पर घोटाला या भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कम से कम जानकारी तो आप ले ही सकते हैं। माना कि आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो सरपंच है उनसे सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। सुनिए ना मैम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा अभी गया हुआ कम से कम एक सप्ताह हो रहा है, अब एक सप्ताह में उतना हासिल नहीं कर पाया। और कल मैं ग्राम सभा रखा था, ग्राम सभा के माध्यम से भी बोला गया है कि मैं सबका डॉक्यूमेंट मंगा रहा हूँ कि जिसका भी अगर त्रुटि हो रहा है या भुगतान में गलत हो रहा है तो उनका डॉक्यूमेंट मेरे पास सबमिट करें, मैं उनको भुगतान कराने का जवाबदारी मैं लेता हूँ। और बाद बाकी जो है पूर्व में भुगतान हो चुका है, किसी का अगर भुगतान नहीं भी हुआ होगा उसका राशि आहरण करके सरपंच सचिव द्वारा निकाला गया है, पता नहीं उनके द्वारा भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं उसका जवाब कागज उनको मैं नहीं जा सकता। जी बितुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से आप जवाबदारी ले रहे हैं कि वृद्ध जो भी वंचित हैं उनको इसका सहायता राशि दी जाएगी, उस तरीके से वृद्ध पेंशन दी जाएगी, इसकी भी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आश्वासन देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ ग्रामीण बने हुए हैं रघुनंदन यादव जी। यादव जी, क्या कुछ लगता है यहाँ पर जिस तरीके से सचिव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक हफ्ते का समय हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से वो जवाबदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर संज्ञान भी लिया जाएगा और पेंशन भी दी जाएगी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर ग्रामीणों की सुध लेते नजर आएंगे नए सरपंच? जी देखिए, अब क्या है कि हम लोग का पहले वाला सचिव के अब क्या है, यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो गया कि सचिव के माध्यम से कभी भी जनता की खबर लिया ही नहीं गया। मतलब ऐसे होते हैं पहाड़ी परवा लोग कि वो लोग को अगर कोई जीवन भर पेंशन न दे तो भी वो लोग बेचारे लोग कहीं शिकायत न कुछ करने का वो लोग के पास वो बुद्धि विवेक नहीं है, इसलिए वो लोग किसी को ऐसी जूते तो ग्रामीण को सुना सकते हैं और इसके बाद कहीं नहीं जाते हैं। तो सचिव जी आश्वासन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनको इसमें काफी ध्यान दे करके ग्रामीण को हर पेंशनधारी को मतलब इनको डॉक्यूमेंट के माध्यम से हल करना पड़ेगा, तभी मतलब हम लोग मानेंगे कि मिल जाएगा, नहीं तो बहुत बहुत आदमी बहुत दुखी है, ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा पेंशन कहाँ चला गया, पेंशन शायद नहीं मिलेगा इस टाइप के। जी यादव जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचा है और आपको आपकी समस्या का समाधान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जनपद पंचायत बगीचा के विनोद सिंह सीओ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। हां जी धन्यवाद मैम। जी विनोद जी, क्या कुछ कहेंगे, वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वंचित है, दो साल का समय बीत चुका है, क्या समस्या आ रही है? एक मिनट मैडम, हमारे पास जो जानकारी आई थी कि 6 लोगों को पेंशन नहीं मिला है करके, और मैंने उसमें जांच कराया तो 4 लोगों को तो पेंशन मिल चुका है। अब 2 लोगों का डीबीटी के माध्यम से गया है या नहीं इसको मैं क्लियर करके आपको बता पाऊँ। जी विनोद जी, एक सवाल और है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण है वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो तमाम जो सरपंच सचिव है उनके चलते वहाँ पर पैसों का आहरण कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर जो बाध्य है जो उन लोगों को यहाँ पर पेंशन नहीं मिली है, इसके लिए हमारे पास भी ग्रामीण लोग आए हुए थे और उसमें एक दो पंच भी थे, और मैं उनको आश्वासन भी दिया था कि मैं एसडीओ आरएस के अध्यक्षता में एक समिति बना करके उसकी जांच करा लेता हूँ, जैसे ही रिपोर्ट आती है अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है या किसी ने पैसा खाया है या कुछ भी मामला है, निर्माण कार्य संबंधी भी शिकायत था, तो उस पर जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई करूंगा मैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आश्वासन देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें एमकेएन स्पेशल में आज हम बात करें छत्तीसगढ़ के जशपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरठा पाट की, और इसके अंतर्गत आमाडीपा वार्ड भी आता है, जहां पर बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा वृद्ध पेंशन योजना से वंचित है। लेकिन आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले पदस्थ हुए नए सचिव ने यह आश्वासन दिया है कि यहाँ पर तमाम जो वंचित हैं उन्हें जरूर यहाँ पर वृद्ध योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सरपंच पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व सरपंच पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हैं कि जिसके चलते पेंशन योजना के अंतर्गत उनको पैसों का आहरण तो कर लिया गया, लेकिन हाँ यहाँ पर जो पात्र हितग्राही हैं उन तक पेंशन का योजना का लाभ नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते दर दर भटकने को मजबूर हैं ये तमाम ग्रामीण। और पेंशन योजना की अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति में भी अगर बुजुर्गों को भटकना पड़े तो लालत है ऐसे सरपंच सचिवों पर, जो यहाँ पर आश्वासन के आधार पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं और शासन की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आते हैं।
हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव जुड़ चुके हैं। यादव जी, क्या कुछ लगता है, एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर नए सरपंच सचिव जो है वो पदस्थ हुए, उनका ये कहना है कि आश्वासन तो हम दे रहे हैं, साथ ही उन्होंने जवाबदारी भी ली है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हुआ नजर आता हूँ कि आने वाले समय में सभी यहाँ पर जो पात्र हितग्राही हैं, योजना से वंचित हैं, वृद्ध योजना से, उनको उनका योजना का लाभ दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है आपको कि वाकई में यहाँ पर इंसाफ होगा वृद्ध लोगों के साथ? आश्वासन तो हर विषयों पर दिया जाता है मैम, लेकिन जब तक नहीं करते हैं तब तक भरोसा लायक तो नहीं कहूंगा मैं कि मिल ही जाएगा उन लोग को। जी यादव जी, क्या लगता है आपको, चूंकि यहाँ पर जो पूर्व सरपंच सचिव थे उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, नए सरपंच सचिव के बारे में कोई जानकारी है आपको? उनका है कि ये बीतुल राम जी जो हैं, पहले कामारीमा पंचायत में भी रह चुके हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार कर चुके हैं, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ जो है कर लेंगे? जब करेंगे तभी माना जाएगा उसको किए हैं करके। जी चंद्रबान, ये बताइए कि जिस तरीके से वितुल राम जी के बारे में आपने बताया कि पहले भी भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, आप एक बार फिर उनके समक्ष जाएं और तमाम जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए जिस तरीके से हमें उन्होंने यहाँ पर तसल्ली देते हुए नजर आए हैं और ग्रामीणों से भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं एमके न्यूज के माध्यम से कि हाँ, तमाम जो समस्याएं हैं वो वहां पर सुचारू रूप से उनको खत्म किया जाएगा, और इसको लेकर अगर आप वहां पर जाते हैं तो इसका फीडबैक लेना भी जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर आश्वासन तो दिया गया, जवाबदारी तो दी गई, लेकिन क्या उसे पूरा किया गया? जी यादव जी, चंद्रभान आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। चंद्रभान, क्या लगता है आपको कि आश्वासन तो दिया गया है लेकिन जिस तरीके से पूर्व में भी यहाँ पर वितुल राम जो है सचिव हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आने वाले समय में जवाबदारी लेते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर आप उनके बीच में जाकर ये जरूर पूछिएगा कि जवाबदारी के आधार पर क्या ग्रामीण लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिला या नहीं? जी मैम, जी मैम। जी यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें एमकेएन स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सरदापाट की, जहां पर आमाडीपा वार्ड में बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा वृद्ध पेंशन योजना से आज भी वंचित हैं। 2 साल का समय बीत चुका है, कोरोना की स्थिति सामान्य हो चुकी है और सामान्य स्थिति में कई विकास के कार्य छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल हमेशा से चाहते रहे कि यहां पर लोगों को विकास के आधार पर उन योजनाओं का लाभ मिले जिनके वो पात्र हैं, लेकिन पात्र हितग्राहियों को ही जब योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो आखिरकार यहां पर जो वंचित योजना से लोग हैं वो आखिरकार कहां जाएंगे, दर दर की ठोकरें, वो भी ऐसी स्थिति में, बुजुर्ग की हालत में अगर ये लोग दर दर भटकने को मजबूर है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में शासन के आधार पर, प्रशासन के आधार पर सरपंच सचिव अपनी मिलीभगत कर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा रहे हैं, और जो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए उनके पैसे जो है पेंशन के पैसे वो खुद आहरण कर लेते हैं, लेकिन जो पात्र हितग्राही हैं उन तक पहुंचाने में सक्षम साबित नहीं होते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार मामले को लेकर सरपंच सचिव और तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल एक ही उठता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में तमाम विकास के वादे करने के आधार पर अब भी अगर वृद्ध पेंशन योजना से हितग्राही वंचित रह जाते हैं तो आखिरकार प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही। और नए सरपंच सचिव की बात की जाए तो पूर्व में भी जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार सामने आया है तो किस आधार पर उन्हें नए सरपंच सचिव के पद पर यहाँ पदस्थ किया गया है? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आश्वासन तो दिया गया है सीओ द्वारा और सचिव द्वारा कि आने वाले समय में हितग्राहियों को पात्र योजना का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस एमकेएन स्पेशल में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।